पहला शोक निरोगी काया, बाकी ऑप्शन बाद के। सोच के देखो जिंदगी में, किसी विद्वान आदमी को और बोला है कि वो पैसा बिल्कुल बेकार का पैसा जिसका इकट्ठा करने के लिए आपने अपनी सेहत को गवा दिया। अब सेहत को वापस लाना तो पैसे कहाँ चले जाएंगे, वो डॉक्टर के पास चले जाएंगे आपकी सेहत लाने के लिए। तो दोस्तों क्या वो दौलत कमाना हुआ? नहीं, वो दौलत कमाना नहीं हुआ दोस्तों। क्यों क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप तो जीरो के जीरो रहे दोस्तों। सोचो आपके पास हजारों करोड़ों के आदमी हो गए, लेकिन दोस्तों आपको डायबिटीज हो गई। सोच के देखिए, दुनिया मजे मार रही होगी, बढ़िया बढ़िया खाना खा रही होगी, आप सलाद में काम चला रहे होंगे। सोच के देखो दोस्त क्या लाइफ होगी। बीमार आदमी बढ़िया बढ़िया, सोचो लाइफ में आपके अस्वस्थ हो गए, बढ़िया बढ़िया आदमी मुजरा चल रहा, बढ़िया यार दुनिया मजे कर रही है यार। सोच के देखो, आप फील करके देखो आपको कैसा फील हो रहा है यार। साला सब कुछ होते भी कुछ भी, क्योंकि जिंदगी में हर सब सिक्स का हर चीज का एंजॉय आप जब ही कर सकते हो जब हेल्थ आपकी बेस्ट होगी। क्योंकि इसलिए बोला गया हेल्थ इज बेस्ट, स्वास्थ्य। क्योंकि दुनिया के सारे मजे कब ले सकते हो? जब आपका पहला शोक निरोगी काया, बाकी ऑप्शन तो बाद के भाई। अगर स्वस्थ रह जीवन होगा तो मजे लाइफ के ले सकते हो, सब कुछ आ जाएगा। जब अस्वस्थ हो गए तो सब कुछ होते हुए सब कुछ चला जाएगा दोस्तों। इन पांच चीजों का कॉम्बिनेशन आपको सक्सेसफुल बनाता। दुनिया का एक मुझे काम बताइए दुनिया में, जिस एक काम को करके दुनिया में पांचों चीजें आप अचीव कर सकते हो। क्या आईएएस बनके पांचों चीजें आ सकती हैं? क्या आईपीएस बनके आ सकती हैं? क्या डॉक्टर बनके आ सकती हैं? टीचर बनके आ सकती हैं, है ना, वकील बनके आ सकती हैं, एक्टर बनके आ सकती हैं, राजनेता बनके आ सकती हैं, दुनिया का साइंटिस्ट बनके आ सकती है। दुनिया एक मुझे काम बता दो माय डियर फ्रेंड, दुनिया में जिस काम को करके आप ये पांचों चीजें अचीव कर सकते हो, एक काम बता दो। चैलेंज है, ओपन चैलेंज है माय डियर फ्रेंड, जहां से इन पांच चीजों को अचीव कर सकते हो। और दोस्तों मैं भी आपको प्रूव करूंगा, दिस द HHI MLM इंडस्ट्री, यही एक डायरेक्शन इंडस्ट्री जहां से इन पांच चीजों को आप अचीव कर सकते हो, टोटल पांच चीजों को, दिस द सक्सेसफुल पर्सन। और मैं आपको और बताता हूँ, टॉपिक पे लेके आता हूँ माय डियर फ्रेंड, क्योंकि बहुत सारी चीजों को आपने तो सुना ही होगा, लेकिन मैं आपको और रीजन से बताता हूँ क्यों करना नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों अगर आज आपने इस इंडस्ट्री में काम नहीं किया, आज आपने वक्त के साथ से नहीं बदला, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, और 65 इयर्स तक आते आते आपके हाल क्या होने वाले हैं मैं आपको और बता देता हूं। ध्यान समझना, जिंदगी को समझना, कि आज अगर आपने इस काम नहीं किया ताकि आज तक पहुंचते पहुंचते आपकी क्या दुर्दशा होने वाली है। और दोस्तों जो लोग वक्त के हिसाब से नहीं बदलते हैं, थॉट को नहीं बदलते हैं, काम को कार्यशैली को नहीं बदलते हैं, वक्त से काम को नहीं पकड़ते हैं, माय डियर फ्रेंड उनकी हालातें क्या होती हैं, ध्यान से समझना दोस्तों। माय डियर फ्रेंड एक सर्वे है कि 36% लोग 65 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। मतलब 65 साल की उम्र भी पूरी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वक्त के हिसाब से वो बदलते नहीं है, वक्त के हिसाब से कामों को करते नहीं है। तो क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे जिंदगी में पैसा कमाने के लिए, जिंदगी में अपने परिवार की आवश्यकता को देखने रात दिन मेहनत करते हैं, मेहनत करते करते ना तो टाइम पे खाना, ना टाइम पे सोना, ना टाइम पे पीने, मतलब जिंदगी क्या होती है ना, जो पोषण बॉडी को चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और धीरे धीरे क्या तो कोई ना कोई लालच बीमारी पकड़ लेती है दोस्तों, फिर इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते दोस्तों, धीरे धीरे जिंदगी खत्म हो जाती है। बहुत सारे लोग जिम्मेदारियां निभाने के चक्कर में दोस्तों कर्जे की लाइफ हो जाती है, वो कर्जा ना चुका पाने की वजह से दोस्तों कई लोगों को तो मैंने सुसाइड करते भी दोस्तों देखा है। क्यों? क्योंकि वक्त के हिसाब से नहीं बदला। क्योंकि आज लोग बोलते हैं, अरे बहुत सारे युवा मुझे मिलते, अरे सर क्या करना अभी, क्योंकि माय डियर फ्रेंड जिंदगी में क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। अभी तो पिताजी ने छत दे रखी है, रोटी भी मिल रही है, कपड़ा टाइम पे मिल रहा है। सोच के देखो एक बार पिछवाड़े पे अगर पिताजी लात मार के घर से निकाल दे तो बेटा मैं आप देखोगे बगल में एक भिखारी होगा जिसके कटोरे हाथ में होगा, उसमें 10-5 पड़े होंगे, भाई साहब तेरी औकात भी वो भी नहीं है, बदल ले भाई वक्त के हिसाब से। मेरी बात ध्यान समझना दोस्तों, अगर आज वक्त के हिसाब से नहीं बदलोगे तो मैं बोल सकता हूँ, सोच के देखो 36% की कैटेगरी में भी आपका जिंदगी जा सकती है। तो माय डियर फ्रेंड क्या आप चाहते हो कि लाइफ मेरी ऐसी हो 36% में जाए? 54% की हालत बताता हूँ दोस्तों 36 के बाद, ये 65 साल की आयु तक पहुंचते पहुंचते डिपेंडेंट हो जाते हैं कहीं ना कहीं किसी संस्था पर, कहीं ना कहीं अपने बच्चों पर, नेक्स्ट पीढ़ी पर। और आप सोच के देखो, एक कहावत भी के पराधीन सपने सुख नाई। और दोस्तों कहते नहीं, जब आप पराधीन हो जाते हो, सोचो जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर पैसे की मैं आवश्यकता की बात करूं, सबसे ज्यादा मेडिकल खर्च की बात करूं, सबसे ज्यादा जरूरत की बात करूं पैसे की, आई में दोस्तों रिटायरमेंट पे आदमी को जरूरत पड़ती है जब उस उम्र में आदमी का काम शरीर काम नहीं करता माय डियर फ्रेंड। और सोचो अगर लाइफ में आज आपने काम नहीं किया दोस्तों, उस समय तक आते आते अगर ये हाल हो गया तो आप सोच के सर देखो, मेडिकल मतलब आपकी आवश्यकताओं के लिए है ना, पैसा नहीं होगा तो आप बढ़िया इलाज नहीं करा पाओगे दोस्तों। और मैं आप सोच के सर देखो, आप अपनी मर्जी से आप अपने चॉइस का खाना नहीं खा पाओगे दोस्तों। कभी अपने बच्चों को बोल के देखना कि बेटा आज पनीर पकौड़े खाना है,
अरे बाबूजी क्या बात कर रहे हो बाबूजी, घर के खर्चे चलाने में मुश्किल पड़ रहे हैं। कभी आप कपड़ों के बारे में बोलना, अरे पिताजी 2 साल से मैंने नहीं आया बच्चों का, ये घर के खर्चे आपको बढ़िया कपड़ों की पड़ी है।